ये परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मतलब पूछे जाते हैं, तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कस्टमर आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स नंबर ऑफ गुड्स। वो जो है एक्स नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कहता है कि मुझे एक्स नंबर ऑफ गुड्स चाहिए। तो द कंपनी प्रोड्यूसेस वाई नंबर ऑफ गुड्स। कंपनी का जो अपने अपना जो डाटा है वो एक दिन में जो है 19 सॉरी वाई नंबर ऑफ गुड्स वो जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। उसके बाद कहते हैं कि आउट ऑफ विच जो है जो कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, आउट ऑफ विच जेड परसेंट अनफिट फॉर सेल, जेड परसेंट उसमें से ख़राब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ तो कितने दिन में जो है एक्स नंबर ऑफ गुड्स वो कंपनी बना पाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। डाटा पहला दिया हुआ है कितने नंबर ऑफ गुड्स जो है हम हमको प्रोड्यूस करना है, तो एक्स नंबर ऑफ गुड्स हमको चाहिए। उसके बाद कंपनी कितने गुड्स प्रोड्यूस करती है, वाई नंबर ऑफ गुड्स कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें वांटेड है, इतने हमको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद जो है ये कहता है कि द जेड परसेंट उसमें से अनफिट है। तो जब जो कंपनी जो वाई नंबर ऑफ गुड्स बनाती है इसमें से जेड परसेंट अनफिट है, तो जेड परसेंट अनफिट है मतलब कितने हमारे पास आइटम्स जो हैं बचे। तो आइटम्स जो हमारे पास जो है वो बचे हैं 100। वाई का कितना परसेंट बचा है, तो देखिए 100 में से जेड घटा देंगे, मतलब 100 माइनस जेड डिवाइड बाई 100 ऑफ वाई, मतलब एक दिन में जो है कंपनी इतनी ही गुड्स बना पाती है, इतना जो कि फिट है फॉर सेल, इतने जो गुड्स जो हमारे हैं वो क्या है, फिट है, इट इज़ फिट फॉर सेल। अब कंपनी ने जो है ऑर्डर लिया हुआ है एक्स नंबर ऑफ गुड्स बनाने का, तो एक्स नंबर ऑफ गुड्स बनाना है तो कितने दिन में वो कंप्लीट करके ये ऑर्डर दे पाएगी। ठीक है, तो कितने दिन में, नंबर ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ऐसे लिखते हैं कि कितने दिन चाहिए, तो नंबर ऑफ गुड्स, ओके, तो नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालने का सबसे बेटर तरीका है कि कितने गुड्स चाहिए तो एक्स चाहिए, और एक दिन में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाई इंटू 100 माइनस जेड अपॉन 100, तो इतने चाहिए हमको। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब इसको बेटर तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 एक्स अपॉन वाई इंटू 100 माइनस जेड, तो ये जो हमारा है रिक्वायर्ड हमारा आंसर यही है। ओके, थैंक यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, वैसे इजी है, इजीली कर सकते हैं इसको। ओके।